नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साजन कुमार और आज आपको एक लर्निंग लेसन देके जाऊंगा, साथ में एक टूल के बारे में भी थोड़ा सा सिखाऊंगा। आज मैंने कुल मिला के जो ट्रेड किया है वो सिर्फ 85 क्वांटिटी की है और इसका जो टाइम था वो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। 3:15 पे मैंने ये ट्रेड लिया था, इनिशिएट किया था और 15:17 यानी कि 3:17 पे तकरीबन ये एग्जिट भी हो गया। ये कंपनी के थ्रू खुद हो जाता है, जब भी हम 3:15 पे, मतलब 3:15 के बाद तो हम खुद एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाते हैं, तकरीबन कंपनी खुद कर देती है 3:17 तक, 3:18 तक। तो ये सिर्फ मैंने क्यों इस टाइम पे ट्रेड लिया, जब मार्केट बंद होने वाली होती है, यानी कि जब जो हमारे ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर जो होते हैं वो बंद होने वाले होते हैं, हम तब क्यों मैंने आज यहाँ पे एंट्री ली, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको ये एक मैसेज देना चाहूंगा, ध्यान रखिए। पहली बात ये कि सुबह से आज मैं पूरा दिन बिजी रहा, मेरे को मार्केट देखने का टाइम नहीं मिला, उस वजह से मेरे को कोई भी ट्रेड जो था वो टाइम पे नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा टाइम देता था 30 मिनट 15 मिनट, तो इतनी देर में कोई काम पड़ रहा था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा था और गेस्ट थोड़े से आ गए थे जिस वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया, पहली चीज ये। लेकिन मेरे को ठीक 3:00 मतलब आप कह सकते हो मैं 3:00 के करीब या 2:30 के करीब फ्री हो गया था। तो उसके बाद मुझे, मैंने बायकॉन को थोड़ा सा ट्रैक किया और मुझे जो थी एंट्री, देखिए इतने टाइम के बाद मिली। अब ये एंट्री मैंने क्यों ली, क्यों नहीं ली, वो सारा मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग उसे समझिएगा। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि देखिए, नो ट्रेड इज इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब अगर आप किसी दिन ट्रेड नहीं करते हैं तो उस दिन को भी आप प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस दिन कुछ खोया नहीं है, आपकी कैपिटल अपने पास ही रही है, आपने अपनी ब्रोकरेज को बचाया है, आपने अपने लॉस को बचाया है। तो जरूरी नहीं होता हर दिन हम ट्रेड करें, ज्यादा क्वांटिटी के साथ करें, कभी कभी कुछ थोड़ा भी ले लेना चाहिए। तो टाइम को देखते हुए मैंने थोड़ी क्वांटिटी रखी, टारगेट छोटा सा रखा, लेकिन कम से कम एक ट्रेड जो था वो ले लिया, कुछ ग्रीन ही अपने अकाउंट में मैं कर कर गया। अब देखिए, टाइम इतना नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकूं कंप्लीटली, तो अभी मैं आपको सेटअप जो है वो कंप्लीट बता देता हूं और थोड़ा सा इंडिकेटर भी जो है वो बता देता हूं। तो इस चीज को समझिएगा दोस्तों, ये होता है एक फिगो लेवल का टूल, इसको हम वहां से ड्रॉ करते हैं जहां से स्टॉक चलना शुरू होता है या फिर गिरना शुरू होता है। तो मैंने इसको यहां से शुरू किया था डालना, तो इसकी एक ना रिट्रेसमेंट होती है हमेशा, स्टॉक जब भी 0.61 के नीचे चला जाता है ना, ये जो आप रेशो देख रहे हो, तो इसका मतलब वो सेल जोन में आ चुका है, लेकिन आपको इसके नीचे ही एंट्री लेनी होती है। या फिर अगर 0.78 के नीचे चला जाए, अपना सारा जितना भी उसने गेन किया है वो गवा दे, तो हम वहां पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी का वेट कर रहा था। इस स्टॉक ने देखिए, सबसे पहले तो यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे इस लेवल को नहीं तोड़ा, बट यहां पे कहीं इसने इस लेवल को तोड़ा था जो कि 14:05 थे। तब तो मैं एक्टिव नहीं था, तो मेरे को इतना पता था कि इसको ये एक बार तोड़ चुका है। ठीक है, उसके बाद ऊपर 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 करता 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 ये दोबारा नीचे आया, एक बार यहां पे आया। तो इस लेवल को मैंने नोटिस किया हुआ था 14:45 वाले को, नियर अराउंड मुझे इतना पता था यहां पे 2:30 के करीब ये लो लगा चुका है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इसका लो था। ठीक है, जिसमें इसने क्लोजिंग जो थी रेड कैंडल दी थी, तो मेरे को सेकंड क्लोज जो था इसके नीचे चाहिए था कैंडल का, जो कि मुझे मिला यहां पे। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसने यहां क्लोज दिया, अगर इसके बाद एक और रेड कैंडल बन जाती तो दोस्तों मैं यहां पे शॉर्ट कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इसने कैंडल क्लोज ही नहीं दी तो यहां पे मैंने एंट्री नहीं ली। बट उसके बाद इसने कंटिन्यूसली, जब दूसरा वाला, देखिए फर्स्ट टाइम इसको यहां तोड़ा, देखिए जो भी स्टॉक, जब भी स्टॉक किसी रेजिस्टेंस को या स्टॉप लॉस सपोर्ट को 3 बार टेस्ट करता है, तकरीबन 3री बार वो टूट ही जाता है। तो फर्स्ट टाइम इसने यहां पे टच किया, दूसरी बार इसने यहां पे टच किया, तो 3री बार मेरे को अब ट्रस्ट हो गया कि भैया अब ये टूट ही जाएगा। तो मैंने देखिए यहां पे 3:00, ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये क्लोज हुई है, कितने पे क्लोज हुई है, यहां पे देखिएगा ये वाली कैंडल क्लोज हुई है आपकी, सॉरी क्लोज हुई है 13,363.10। ठीक है, यहां पे क्लोज हुई है। अगर आप मेरी एंट्री भी देखोगे तो मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं, यहां पे प्राइस देख लीजिएगा, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। तो देखिए 3:63.30 पे मैंने इसको शॉर्ट किया है, और ये टाइम आप नोट करना चाहे कोई तो कर सकता है, 15:14 मैंने इसी कैंडल पे जो थी एंट्री ली थी। ठीक है, और यहां से ये नीचे गया था 61.50 तक गया था, यानी कि मेरे प्राइस से नियर अराउंड 1.90 रुपए नीचे गया था, और ये टारगेट भी बनता था लेकिन बुक नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, कंपनी की तरफ से खुद एग्जिट हुआ। तो ये चीज है कि जब ट्रेड मिले तभी एंट्री लीजिए, और अगर मैं यहाँ पे पछताता रहता, अरे यार मेरे को एंट्री नहीं मिली, एंट्री में यहाँ पे कहीं सेल करता तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया था, तो ये गलत हो जाता। इसीलिए अपने ट्रेड का वेट करें, आपको एंट्री मिलेगी आप जब वेट करेंगे। देखिए चीजों को अपने पास बुलाना है, अगर आप उनके पास जा रहे हैं तो इसका मतलब आप स्टॉक के हिसाब से चल रहे हैं, स्टॉक आपके हिसाब से नहीं चल रहा है।
तो आपको स्टॉक को अपने हिसाब से चलाना है, ना कि मार्केट आपको अपने हिसाब से चलाए, ठीक है। चलना मार्केट के साथ है, लेकिन एंट्री अपने टाइम अपने लेवल के हिसाब से लेना सीख लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो में अगर आप कुछ सीख पाए हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।